दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार, आप सभी को मेरे चैनल आर ए ट्रक ड्राइवर ब्लॉग्स पे स्वागत है। आज फिर से मैं वीआरएल को लेके एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीआरएल को लेके ही पिछले भी मेरे वीडियो वीआरएल को लेके बना था, वीआरएल का वैकेंसी कहाँ होता है, कैसे होता है करके। तो उस वीडियो के जरिए बहुत लोगों ने मुझे सवाल किया, प्रश्न किया और सजेस्ट किया कि आप वीआरएल में इनकम कैसे होती है, वहाँ का सैलरी या फिर खर्च वगैरह कैसा है, आप वो मुझे हमें बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं वीआरएल में इनकम कैसे होता है, वहाँ का सैलरी क्या है, ये उसके मैटर में मैं बात करने वाला हूँ। तो सभी से आज रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी न्यू है, जो पहली बार मेरे चैनल पर है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नोटिफिकेशन जो है कि आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जा करके आप सभी देख सकते हैं कैसे भर्ती होता है। वीआरएल लॉजिस्टिक का जो पेमेंट है, जो सैलरी जो बनता है, वो दो प्रकार की होता है। जैसे आप वीआरएल टीपीटी यानी गोडाउन से लेकर के दूसरे वीआरएल गोडाउन तक ही जा रहे हैं तो आपका ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से आपका सैलरी बनेगा। जैसे दिल्ली वीआरएल की गोडाउन से लोड किए हो और बेंगलोर आप वीआरएल की गोडाउन में ही लेके जा रहे हो तो आपका ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट जो है कि बनेगा। अगर आप दिल्ली गोडाउन से लेके अगर वहाँ मार्केट लोड कर रहे हो, वहाँ गोडाउन से नहीं मार्केट लोड, यानी कि आप कहीं मार्केट से किसी पार्टी का माल लेके और बेंगलोर पार्टी के माल डिलीवरी करने जा रहे हो तो आपका ₹5 प्लस ₹1 पर किलोमीटर जो है कि मार्केट का लोडिंग में ₹1 पर किलोमीटर जो कि आपको एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि ₹6 पर किलोमीटर मिलेगा। वीआरएल का जो सिस्टम है मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। जैसे आपका गाड़ी दिल्ली से लोड हो चुका, लोड होने के बाद आपको जो है कि वहाँ पे एक ड्राइवर पेज बना के दिया जाएगा जो कि वो ट्रिप पेज रहेगा, उसमें आपकी आईडी नंबर और गाड़ी का लोडिंग कहाँ से है और डिलीवरी कहाँ करना है वो डिटेल्स रहेगा और सब कुछ सिस्टम में अपडेट रहेगा। आप जैसे दिल्ली से निकलोगे डीजल फुल करके, उसके बाद आप रास्ते में ललितपुर, नागपुर, हैदराबाद ऐसी जगह आप डीजल फुल कराओगे, अपना वीआरएल का खुद के पंप होता है वहाँ पे डीजल फुल कराओगे, फुल कराओगे तो वो पेज पंप में पेज जो है कि आप दिखाओगे, फिर फुल कराओगे वो पेज से नंबर से वो अपना सिस्टम में जो है कि डीजल अपडेट कर देगा कि आपने कितना डीजल लिया है, एडवांस कितना लिया है, सब अपडेट रहेगा। आप जैसे बेंगलोर पहुँचोगे आपका वहाँ पर हिसाब होगा। पहुँचते ही जैसे अगर मार्केट का है तो पार्टी का माल डिलीवरी करके आपको वहाँ पे बेंगलोर वीआरएल ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहीं पे हिसाब होगा, वहीं से फिर लोडिंग आपका जो है कि डिसाइड होगा कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है। और आप जैसे ऑफिस में पहुँचोगे वैसे ही हिसाब होगा आपके, अगर मार्केट लोड है तो ₹1 एक्स्ट्रा जोड़ करके हिसाब होगा, मार्केट लोड नहीं है तो ₹5 के हिसाब से हिसाब होगा। अगर हिसाब में आपका जो भी निकलेगा वो आपको वहीं अकाउंट में आ जाएगा पैसा। और डीजल का भी अगर ज़्यादा लिए होंगे डीजल तो आपको डीजल का पैसा भरपाई करना पड़ेगा, अगर कम लिए होंगे यानी कि आपका डीजल बचा होगा तो आपको डीजल का पैसा भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। हिसाब जो है कि वहाँ तुरंत ही होता है और आपका हिसाब जो है कि अगर आप जैसे कि दिल्ली से आप निकले हो, अगर ₹10,000 एडवांस ले लिए हो तो वो एडवांस जितना आप एडवांस लिए हो आपका सैलरी जो है कि ₹5 या ₹6 के हिसाब से जितना बन रहा है वो उसमें, और पुलिस खर्चा, रोड खर्चा, बॉर्डर खर्चा जितना लगा है वो काट पीट के जो भी आपका बचेगा आपको मिलेगा। और डीजल में जो है कि आपका बच रहा होगा तो आपको मिलेगा, अगर लग रहा होगा तो आपको देना पड़ेगा, फिक्स डीजल है। तो आज वीडियो यहीं तक है, जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ड्राइवर भाइयों को भी बताइए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, बाय।